हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सेफ होंगे। तो ये है मेरा सुबह का टाइम, ज़्यादा सुबह भी नहीं है, तकरीबन 8:30 या 8:15 हो रहे होंगे। और टाइम मैं ज़्यादातर देखती नहीं हूँ, मेरा पता नहीं क्या दिमाग रहता है। मैं यहाँ पे लगा रही पोछा। जैसे कि आप सबको पता है मेरे पेट में दर्द था, तो मुझसे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा, तो आज मैं वैसे वाइपर से लगा रही हूँ। वैसे मैं लगाती रहती हूँ वाइपर से जब मुझे जल्दी होती है, पर आज मैं इसी वजह से लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द है। मेरी जो वेन्स है ना अंदर की, उन पर स्वेलिंग आ गई है, और आप सबको पता है क्यों आ गई है। इधर साइड मुझे पैर से लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ना सिलेंडर रख रखा है सब्जी रखने के लिए, और उधर चारपाई रख मतलब कुर्सियाँ रख रखी हैं, तो वहाँ लग नहीं पाता वाइपर से। और ये चारपाई हटाओ फिर तभी पोंछा लगाना बनता है, और मुझे तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक पोंछा अच्छे से लग ना जाए आगे पीछे। तो ये मेरा लग चुका है पोंछा। वैसे मेरी दवा चल रही है, पहले से अच्छा फील कर रही हूँ। मेरे तो दवा जिम में पड़ गई है। हाय। विनीत जी कह रहे हैं चाय चलनी ठीक, ये स्टील वाली चलनी होती है ना, ये घर पर ठीक हो जाती हैं, तो पुरानी टूटी चलनी पड़ी थी तो ये उसकी चलनी काट के इसमें फंसा रहे हैं। मैं नहा ली हूँ और टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं, 12 से ऊपर है, पर ये ना 15 मिनट आगे है। तो हमें ना इसी घड़ी को हमेशा देखते हैं क्योंकि इसके हिसाब से हम अपना टाइम है ना, मतलब सॉरी काम है ना, थोड़ा जल्दी फिनिश करने की सोचते हैं, तो इसीलिए 15 मिनट आगे कर रखी है। और तनु सो रहा है उधर, मम्मी गई हैं पूजा करने, विनीत जी गए हैं थोड़ा सा अलीगढ़ गए हैं किसी काम से, और मुझे अब खाना बनाना है। मैंने आज ये दुपट्टा वेयर किया है, आप लोग बताना कैसा लगा आपको। ये वही दुपट्टा है जो मैं घर गई थी ना तो वहाँ मिला था, यानी मंदिर में चढ़ा के आया था कोई, तो दीदी ने मुझे दे दिया। आज कलर बहुत अच्छा है, सबको मेरे हाथों पे ग्रीन नेल पेंट ही अच्छी लगती है, और सच बताऊँ ना मुझे भी अच्छी लगती है पर रेड मुझे भी कम अच्छी लगती है, पर विनीत जी को रेड ज़्यादा अच्छी लगती है। सबका भाई अपना अपना चॉइस है। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में, खाना बनाऊँगी। ये लो जी सब्जी आ गई हमारी। वैसे करेले थे मैंने, वो छील के रख दिए थे धूप लगाने, बस वही थे। आलू भी ख़त्म, यानी सब्जी ख़त्म हो गई थी, और मैं कहना भूल गई थी, पर विनीत जी को शायद याद था। तो मैं जमा रही हूँ सब्जी। मैं सब्जियाँ जैसे कि आप सबको पता है मैं धो के नहीं रखती हूँ, मम्मी कहती हैं कि धो के रखते हैं तो सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है गीलेपन की वजह से। और मम्मी उधर कर रही हैं पूजा, मम्मी पहले पूजा करती हैं, पहले मतलब भगवान जी नहलाएंगी, फिर मंदिर नहलाने जाएंगी, फिर आके माला करेंगी, फिर दुर्गा चालीसा करेंगी, और फिर हमारे गुरु जी हैं कभी जाएंगे तो ज़रूर मिलाएंगे, उनका जप करेंगी। बहुत सारी पूजा करती हैं मम्मी, कम से कम 1 घंटे में फ्री होती हैं। और इसी ऐसे खाना भी लेट में खाती हैं, हम कभी कभी खाना जल्दी बन जाता है तो हम लोग खा लेते हैं, मम्मी का खाना बाद में होता है। पर वैसे हमारे घर में अगर खाना टाइम पे बन जाए मम्मी की पूजा होने के बाद, जैसे कि मम्मी की पूजा हो जाए या फिर खाना बन रहा हो, तो सबसे पहले थाली मम्मी को देते हैं हम लोग लगा के, और बाद में खुद खाते हैं। तो ये लग गई मेरी सब्जी। ये टमाटर अदरक वगैरह ये सब मैं फ्रिज में रख दूंगी स्टोर करके, और बाकी सब्जियां यहीं पर रख देती हूँ क्योंकि अभी ठंडा मौसम सा हो गया है गांव में, सुबह शाम का दोपहर को थोड़ी सी गर्मी लगती है बस। और मैं किसी के ब्लॉग देखती हूँ, उनके यहाँ तो हमेशा बारिश ही हो रही है, जबकि वहाँ मतलब ऐसा इलाका भी नहीं है कि इतना मतलब होता है ना कि हर समय बारिश, 24 घंटे बारिश, उनके यहाँ डेली बारिश हो रही है। ये कहीं मेरठ साइड हो रही है, वो मेरठ की रहने वाली हैं। और यहाँ मैं खा रही हूँ अपनी दवाई, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ अपनी दवाई खाने में, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। विनीत जी देखो नहाने के लिए घूम रहे हैं, वो उन्हें नहाना है अभी, तो हल्का सा गुनगुना पानी करके तब नहाते हैं, हम लोग सभी नहाते हैं, बस मैं अभी नहीं नहाती गर्म पानी से, तो ये मेरी दवाई चल रही है। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, मैं सब्ज़ी जैसा कि आपको बताया करेले बना रही हूँ।
मुझे तो कहीं चैन से वीडियो एडिटिंग करने को ही नहीं मिलता। कभी हॉर्न की आवाज़ आती है, कभी बच्चे शैतानी करते हैं। मैं एक कोना ढूंढती हूँ कहीं मुझे शांति मिल जाए एडिटिंग करने को। तो ये मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम करके उसमें ज़ीरा डाल के प्याज डाल दी है। मम्मी से मैंने पूछ लिया था क्योंकि मुझे करेले और ना विनीची को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिना प्याज वाले करेले। तो मम्मी बोली चल भोग में है ना दही बूरे से लगा दूंगी और प्याज खा मतलब करेले खा लूंगी। तो इसीलिए मैंने प्याज डाली, पहले पूछा था मम्मी से। तो ये मैंने प्याज थोड़ी सी हल्की ब्राउन कर ली है, फिर उसमें हल्दी डाल के जो करेले का छिकल होता है वो डाल दिया है इसमें बारीक कट करके। इसको भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी। मसालों में होगा सौंफ, राई और आमचूर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, मिर्च और धनिया, नॉर्मल मसाले जो होते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मुझे पता है भरवा जो करेले बनाते हैं ना, मुझे मम्मी के हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं, यानी अपनी मम्मी के हाथ के। वो मसाला भून के और फिल करके तब बनाती हैं। और यहाँ पे जो बनते हैं भरवा वो कच्चे बनते हैं, यानी सारा मसाला कच्चा, जैसे करेले को पील करके और उसमें सारे मतलब प्याज वगैरह जो भी आप डालना चाहो वो मिला के और उसमें कच्चे करेलों में ही ऐसे भर देते हैं। और पर मेरे मायके में जो बनते हैं वो मसाला भून के तब उसमें भरते हैं। सर मुझे, मैं जल्दी का काम करती हूँ। आप जैसे, आप सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ काम करने में। तो ये करेले मेरे ना इसमें 20 ज़्यादा थे कुछ, तो मन भी किया कि मसाला अच्छा भर जाएगा पर जल्दी थी तो मैंने ना 4 पीस किए करेले के और डाल दिया इसमें। तो मम्मी को आज बहुत अच्छे लगे। वैसे मम्मी को कम पसंद नहीं ये वाले, पर आज मसाला बहुत अच्छा बना था। बिखरे बिखरे करेले बने थे तो मम्मी को बहुत पसंद आया। और विनीची को भी, विनीची को भी नहीं पसंद। मैंने इसके बीज निकाल के रखे थे, मैंने कहा सुखा दूंगी और बो दूंगी प्लॉट में। तो तनु ने क्या किया, उसके उठा के ले गया वो बीज और फेंक आया कूड़े पे। ये मैंने डाला है अमचूर पाउडर, बाद में थोड़ा सा डाला था क्योंकि कहते हैं कि खटाई पहले डालने से है ना सब्जी गलती नहीं है। तो इसीलिए अमचूर पाउडर बाद में डाला, मैं पहले बोल गई थी गलती से। एक्चुअली शूट कर लेते हैं ना तो हम खुद भूल जाते हैं कि हमने क्या चीज़ पहले की थी। जब वीडियो देखते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो हमने बाद में किया था। तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ, मैं हाथ की रोटी बना रही हूँ आज, घी वाली। क्योंकि ना इसे या तो पानी के हाथ की रोटी या घी की बहुत अच्छी लगती हैं, ज़्यादा ज़्यादा घी लगा के। मतलब बेलती तो मैं ऐसे ही हूँ सिंपल सी, हल्का सा घी लगा के चकले पे के चुपके ना। और यहाँ विनी जी कर रहे हैं मम्मी को खाने देने की तैयारी। अभी नहाने मतलब पानी तैयार करके रखाए थे। एक्चुअली क्या ना, खाना देने को मैं भी दे दूँ अगर यहाँ बैठी हूँ मम्मी अंदर, पर मम्मी है ना टीवी देखते देखते खाना खाती हैं। यानी उनकी इस टाइम रामायण आती है, दिन में भी आती है ना, कई कई बार दिखाते हैं रामायण। मम्मी को रामायण, गीता, भागवत का बहुत शौक है, तो वो अपने बैठक में देख के टीवी देखते देखते खाना खाएंगी। तो इसी वजह से तो विनीत जी अपना पानी रेडी करके पहले मम्मी को थाली लगा के दे के आएंगे। ये है, तो ये तैयार है मेरी। अरे पहले तो फसाओ तो सही, कुंडा भाई निकालो, पहले बाहर निकालो से ना मान निकालो ना, राम फसाओ खांसे में, फसाओ खांसे में, दबाओ दबाओ उसको, दबाओ नीचे में, अब दूसरे हाथे दबाओ, यहाँ 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 फंसा दे, बस अब सही है। तन मैं जा उस पे, हाँ खर्चे निकालते कोई, अरे खर्चे निकालते अगर लेने में पैर निकालते हूँ बाहर। दांत टूट जाएंगे सब। ये देखिए, अरे घूमी घूमी, अरे मेरी तरफ घुमा, मेरी तरफ घुमा यार, तू
चल गई चल गई चल गई। पटा पे टाइट घूमता हो तो यहाँ मैंने और निशाने और यहाँ तक कि तनु ने भी ट्रॉली चलाना यानी स्टार्ट करना सीखा। ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि जब इसे चलाते हैं ना तो हमें खुद से इसका हत्ता निकालना होता है। तो बोलते हैं अगर हत्ता फंसा रह गया तो ये अपने आप निकल के भागेगा, हो सकता है आपके मुंह पर भी लग जाए या मुंह टूट जाए या दांत टूट जाए या कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो ट्राई किया पर हमसे नहीं होगा भाई, ऐसे कामों से राम बचाए। अविनी जी हम उससे कह रहे थे कहीं मेरी नाक में मत घुसा दियो डंडा, एक बार दीदी ने कर दिया था यानी निशा की मम्मी ने कर दिया था, वो भी ऐसे उठा उठा के दे रही थी और ये थोड़ा सा बचा था, तनु उठा उठा के दे रहा था। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक देना यारो, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन बेल हिट करना मत भूलना। पहले बेल हिट करें, उस पे जाकर ऑल पर क्लिक करें, तब आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।